दोस्तों, अगर आप लेट 90s में पैदा हुए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने बेब्लेड का नाम तो जरूर सुना होगा। अब मेरे लिए पर्सनली ये एक ऐसी सीरीज है जिसपे वीडियो बना के मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये कौन से चैनल पर आता था, ये कब आता था। बस एक दिन टीवी पे मैंने इसके एपिसोड्स देखने शुरू किए थे और पूरी तरह से हुकडप हो गया था। वो ऐसा वक्त था जब मेरे सारे स्कूल के दोस्त पॉकीमोन्स की बात किया करते थे, पिकाजू चारिज़ार्ड को हरा सकता है या नहीं, बल्बासोर क्यू स्क्विर्टल से ज्यादा ताकतवर है, हर जगह बस यही बातचीत होती थी। अब ऐसा लगता था मानो मैं अकेला हूँ जो बेब्लेड देखता था। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरे सारे दोस्त ये सीरीज देखने लगे और उसके अगले कुछ दिनों में हमने अपने अपने बेब्लेड्स तक खरीद लिए। आपको तो पता नहीं लेकिन मैंने बेब्लेड बहुत नचाया है। मुझे याद है कि हम कढ़ाई के अंदर बेब्लेड्स को घुमाते थे और एक दूसरे के साथ टक्कर करते थे। अब हमारे लिए ये सिर्फ कोई घूमने वाली चीज नहीं थी, हमें पूरा यकीन था कि इन बेब्लेड्स के अंदर पेगासस, एराइस, ड्रैगन जैसे स्पिरिट्स रहते हैं। वेल, अगर आपने भी बेब्लेड देखा है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपने इसके साथ कनेक्शन बिल्डअप किया ही होगा। अब दोस्तों, आज मैं आपके इन्हीं बचपन की यादों को एक बार ताजा करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि जो बेब्लेड्स हमारे वक्त में इतने ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे वो आज गटर में कैसे पहुंच गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेब्लेड का नामो निशान मिट गया। फिर आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ बेब्लेड। दोस्तों, बेब्लेड भी उन सीरीज में से एक था जो पॉकीमोन के सक्सेस को कॉपी करना चाहता था। अब जहां दूसरी एनिमेटेड सीरीज कुछ अलग कार्टून बनाने की कोशिश कर रहे थे, बेब्लेड के अपने ही कुछ अलग प्लान्स थे। दोस्तों, 1999 के जापान में पहली बार बेब्लेड के प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। उस वक्त ये बेहद ही साधारण से दिखने वाले घूमने वाले केवल एक टॉयज थे, लेकिन जल्द ही इसके ऊपर एक मांगा स्टोरी लिखी गई और साल भर के अंदर इसकी एनिमे सीरीज को बनाकर जापान में रिलीज कर दिया गया। अब देखो, बिना किसी शक के ये सीरीज जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और कंपनी के पास इतना पैसा आ गया कि वो अपने बेब्लेड्स को दूसरी कंट्रीज में भी भेज सके। अब जहां जहां ये बेब्लेड के खिलौने एक्सपोर्ट हो रहे थे, वहां वहां बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज को दिखाए जाने लगा। जल्द ही इंडिया में भी इन प्रोडक्ट्स को लाया गया। अब उस वक्त टीवीज ऑलमोस्ट हर घर में आ गए थे और उस घर का हर बच्चा बेब्लेड देखने लग गया था। अब यहां पर मेन कहानी की बात करें तो ये टाइसन नाम के एक लड़के की स्टोरी दर्शाता है। टाइसन को भी आम बच्चों की तरह बेब्लेड्स के साथ खेलना बेहद ही ज्यादा पसंद था और वो अपने बेब्लेड के स्किल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। अब देखो, टाइसन का सपना था कि वो दूसरे शहर में जाकर बेब्लेड टूर्नामेंट्स में लड़े। अब अचानक उसके शहर में एक चोर आता है जो सबके बेब्लेड्स को हरा कर उन्हें चुरा लेता है। अब टाइसन उसे चैलेंज करता है और कड़ी मेहनत करने के बाद उस चोर को हरा देता है। लेकिन उसकी जीत की ये खुशी बहुत ही कम समय तक उसके साथ रहती है, क्योंकि तभी वहां पर लोकल बेब्लेड का चैंपियन काई आ जाता है। अब काई का बेब्लेड बेहद ही अलग था। उसके बेब्लेड के अंदर एक तरह का स्पिरिचुअल बीस्ट रहता था जो उसके बेब्लेड को सुपर नेचुरल शक्तियां भी दे देता था। अब ये बीस्ट उन कैरेक्टर्स के फाइटिंग स्पिरिट्स को दर्शाता था। जितना ज्यादा उस बेब्लेड को घुमाने वाला स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा उसका बीस्ट भी स्ट्रांग होगा। काई टाइसन के बेब्लेड को पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन अपने बीच के इस पावर डिफरेंस को देखने के बाद भी टाइसन हार नहीं मानता। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना खुद का एक बेब्लेड बनाता है और उसके अंदर अपने फैमिली का सुपर नेचुरल बीस्ट ड्रैगन को डाल देता है। अब देखो दोस्तों, यहां से टाइसन की कहानी और आगे बढ़ती है और वो नए टूर्नामेंट्स और दोस्तों से मिलता है, जैसे कि मैक्स और रे। टाइसन, मैक्स, रे और काई जल्द ही एक टीम बना लेते हैं जो पूरी दुनिया घूमकर वर्ल्ड बेब्लेड चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेती है। अब दोस्तों, इस सीरीज के बाद और भी बहुत सारे बेब्लेड के न्यू जनरेशन सीरीज रिलीज हुई, लेकिन ये पहली बेब्लेड की सीरीज थी जिसने हम जैसे इंडियन बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। हमारे लिए यानी कि बच्चों के लिए ये एक परफेक्ट शो था। इसके एडवेंचर फैंटेसी जॉनरा ने हमें अच्छे तरीके से पकड़ लिया था। हम इन बच्चों को पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए देख रहे थे सिर्फ अपने बेब्लेड्स के साथ, वही बेब्लेड्स जो आपके पास भी था और बिल्कुल शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स की तरह आप भी अपने दोस्तों के साथ इन बेब्लेड्स का मजा ले सकते थे। शो के हर कैरेक्टर का ग्रोथ दिखाया गया था कि कैसे वे लोग इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर सच बताना कि काई और टाइसन की दोस्ती देखने का मजा आपको आता था कि नहीं। बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज बेहद ही फेमस हुई थी और तुरंत ही इसका सीक्वल एनिमेज को भी रिलीज किया गया था, जिसमें बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन और बेब्लेड वी फोर्स शामिल थी। बेब्लेड की सक्सेस का कोई भी एंड दिख नहीं रहा था। जितने भी लोग इसे अपने टीवी पर देख रहे थे, उन सभी के पास अपना खुद का एक बेब्लेड हुआ ही करता था। कंपनी को एक तरह से हर तरफ से फायदा हो रहा था, चाहे वो टीवी में दिखाकर हो, चाहे वो बेब्लेड
पैम्फलेट बेच करो, हर तरह से नोट छाप रहे थे। अब इंडियन बच्चों को स्पेशली वो मोमेंट्स पसंद आ रहे थे जिसमें अलग तरह के बीस्ट्स और स्पिरिट्स बेब्लेड के अंदर से बाहर निकलकर फाइट करते थे। अब देखो, मेरे ख्याल में बेब्लेड की स्टोरी भले ही सेम तरह की हो, लेकिन उसे जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था ना, वो बेहद ही यूनिक था। जिस तरह से टूर्नामेंट्स को दिखाया जा रहा था, हम सब ये सोचते थे कि क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा। वेल, बेशक दिखाए जाने वाले बेब्लेड टूर्नामेंट्स इस सीरीज की जान थी, जहां हमें नई तरह के फाइटर्स और बीस्ट्स देखने को मिलते थे। इसके साथ ही दुनिया भर के टीम्स भी दिखाई देते थे जो कि प्रोफेशनली बेब्लेड टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन सभी चीजों ने बेब्लेड को इतना ज्यादा बिलीवेबल बना दिया था कि मुझे लगता था कि मैं भी इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अब दोस्तों, बेब्लेड ने अपने शो से हाइप तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन कंपनी को एक डर बेहद ही सता रहा था। दरअसल उसके ज्यादातर प्रॉफिट्स इस बात पर डिपेंड करते थे कि दुनिया भर में कितने सारे बेब्लेड्स के टॉयज बिक रहे हैं। अब इन टॉयज को ज्यादातर खरीदने वाले जो लोग थे वो थे बच्चे। अब जब तक ये सीरीज चल रही थी ना, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके ये फैंस यानी कि हम लोग बड़े हो रहे थे और धीरे धीरे बेब्लेड के शो को देखना बंद कर रहे थे। कंपनी के लिए बहुत जरूरी था कि वो नए जनरेशन के बच्चों को अपने बेब्लेड्स की तरफ आकर्षित करे, और इसीलिए बेब्लेड को पूरी तरह से रीबूट कर दिया गया और एक नए सेट ऑफ कैरेक्टर्स और स्टोरी के साथ सीरीज को रिलीज किया गया, जस्ट लाइक बेन 10 रीबूट में आपने ये गलती देखी। अब देखो, इस नए चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी बेब्लेड की मेटल सीरीज को काफी प्यार मिला। अब भले ही सारे कैरेक्टर नए थे, लेकिन तब भी उन्हें पसंद किया जा सकता था। स्टोरी लाइन भी इतनी बुरी नहीं थी और बेब्लेड्स के अंदर दिखाए जाने वाले पावर्स भी सही थे। लेकिन फिर दोस्तों, बेब्लेड की कंपनीज ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। उन्हें लगा कि ये नए जनरेशन की सीरीज बहुत ज्यादा चल रही है, इसीलिए क्यों ना हम हर बार एक नए जनरेशन के बेब्लेडर्स की कहानी को दिखाएं। नाउ ऑन पेपर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन बेहद ही बुरी तरह से की गई। अब एक बार फिर रिबूट करके बेब्लेड शॉगन स्टील नाम की सीरीज से शुरू किया गया, जिसे दुनिया भर में हेट मिला। स्टोरी लाइन से लेकर कैरेक्टर्स किसी को भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, और बस दोस्तों इसके बाद से तो जैसे बेब्लेड को नजर ही लग गया। जो भी बेब्लेड की सीरीज रिलीज हो रही थी, सब कुछ फ्लॉप जा रही थी। एनीमे कंपनी अभी भी अपनी गलती को नहीं पहचान पा रही थी और बार बार नई जनरेशन की सीरीज को रिलीज किए जा रही थी। बेब्लेड बस्ट, बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन, बेब्लेड बस्ट टर्बो, बेब्लेड बस्ट राइज, बेब्लेड स्पार्कलिंग, बी व्हील्स। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि आपने इन सीरीज के बारे में कभी सुना तक नहीं होगा। कचरे जैसे किसी भी बेब्लेड एनीमे को रिलीज किया जा रहा था। अब तो समय ऐसा आ गया है कि किसी भी बच्चे को पता ही नहीं है कि बेब्लेड कौन सी तोप का नाम है। आज अगर बेब्लेड को कोई याद करता है तो वो है हम जैसे लोग, और मेजरली इसे याद करके हम अपना बचपन याद करते हैं। अब देखो, आज के टाइम में मोबाइल फोन्स के सामने बेब्लेड जैसे टॉयज की पॉपुलैरिटी को लाना नामुमकिन हो गया है, वहीं हमारे वक्त में तो यही सब चीजें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अब अगर ओरिजिनल सीरीज को किसी तरह से वापस लाया जाए तो शायद मैं बेब्लेड देखना फिर से शुरू कर सकता हूँ। वैसे आपका इसमें क्या ख्याल है, मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अब दोस्तों, अगले वीडियो में आप किस कार्टून सीरीज या फिर एनिमे सीरीज के राइज और फॉल को जानना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और इन वीडियोस को जाकर जरूर देखना, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।